नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय एक के श्लोक नंबर 43, 44, 45 और 46 पर चर्चा करेंगे। उत्सन्ना कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासो भौतिते अनुशुश्रम। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जनार्दन, जिन मनुष्यों ने कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका निश्चित रूप से नर्क में वास होता है, ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है। अहो वत महत् पापम कृत्वा वयम यदरज्य सुखा लोभेन हन्तुम सौजन्यम उद्यते। अर्जुन अपने दुख को प्रकट करते हुए, अहो यह कितना बड़ा पाप है कि हम राज्य और सुख के लोभ में अपने ही परिवार और प्रियजनों को मारने की बात कह रहे हैं। यदि माम अप्रतिकरम सस्तरम सस्तरम पाण्यम धार्तराष्ट्रो रणे हनुस्तन में सेम शत्र भावे। इस श्लोक में अर्जुन अपनी आत्मसमर्पण की भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं, यदि धर्तराष्ट्र के सशस्त्र लोग अर्थात कौरव के सशस्त्र लोग मुझे बिना प्रतिकार के और बिना हथियार के मार डालें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा, या बिना प्रतिकार के मरना उनके लिए मरना अधिक कल्याणकारी होगा। एव मुक्ता अर्जुन संखे रथोपस्था उपावेशत विसर्ज्य सरम चापम शोक संविंगना मांस्य। संजय बोले, इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध न करने का निश्चय करते हुए अपने रथ में पीछे बैठ गए, अपना धनुष बाण त्याग दिया और उनके मन दुखी विचलित हो गया है। यह सब अर्जुन की भावनात्मक स्थिति को दिखाता है। गीता ज्ञान खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।